तो स्टूडेंट्स, अब आज एक अपन न्यू टॉपिक का स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही बेसिक है और मेरे हिसाब से सब लोग आप इसको 10th से तो देखे ही होगा, क्लास 10th से यू ऑल आर अवेयर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम एक स्पेसिफिक टेक्निक के फॉर्म में इसको यूज करते हैं टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और या हम ऐसे स्पेसिमेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं जो हम सामान्यतः अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आपने एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप एल्गी के स्पेसिमेंट्स देखते हो या फंजाई के स्पेसिमेंट्स देखते हो, फंजाई के आपने स्पोर्स देखना चाहो तो आप स्लाइड पे तो लोगे अपने स्पेसिमेंट्स, पर क्या आप उसको देख सकते हो आंखों से? क्यों? क्योंकि बहुत ही वो छोटे हैं, वो आकार में बहुत ही छोटे हैं। सो इस चीज को, ऐसी लाइफ को डिस्कवर करने या ऐसी लाइफ को देखने के लिए माइक्रोस्कोपी एक सबसे हम कह सकते हैं कि ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से हम इस प्रकार की दुनिया को देख सकते हैं। सो माइक्रोस्कोपी इज एक्चुअली टेक्निक by which we can study microscopic particles or microorganisms. It is a technique which includes aid of optical instrument. Microscopy में हम ऐसे instrument को use करते हैं जिसमें optical instruments, मतलब वो optical, आपने physics के अंदर ray optics पढ़ी होगी तो लेंसेज और मिरर्स पड़े होंगे, तो लेंसेज और मिरर्स से हम इमेजेस फॉर्म करते हैं। मिरर में देखेंगे तो भी हम इमेज देखते हैं, लेंस में भी इमेज फॉर्म होती है। तो वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम एनलार्ज व्यू देख रहे हैं, उसकी इमेज ही तो देख रहे हैं। इमेज का फॉर्म होती है जब आप माइक्रोस्कोप की आईपीस के अंदर देखोगे, आईपीस के अंदर देखोगे और तो जो स्लाइड जो लगी हुई स्टेज पर, उस स्टेज पर जो स्लाइड है, उस स्लाइड के अंदर जो भी स्पेसिमेन है, उसकी इमेज का बन रही है ब्रेन, रेटिना में बनेगी, परसेप्शन कहां होगा? ब्रेन के अंदर होगा। वो इमेज जो होगी वह उस स्पेसिमेन की वास्तविक साइज से कई गुना बड़ी होगी। यही तो माइक्रोस्कोप कर रहा है ताकि हम उसको आसानी से देख सकते हैं, बड़े आकार हम उसको परसीव करते हैं अपने ब्रेन के अंदर। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो माइक्रोस्कोपी में हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं उसका नाम है माइक्रोस्कोप, एंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लेंसेस, विच इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लेंसेस। और इसमें कई सारी चीजें आएगी, so in microscopy we use this instrument microscope. Now there are various different kinds types of microscopes. It depends upon what is the objective of study. हम आपकी study का, आप किस चीज को study करना चाह रहे हो microscope में, उसके आधार पर आप विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं। आपका स्पेसिमेन की साइज क्या है, आपका स्पेसिमेन कितना किस लाइव है या डेड है, तो ये सब चीजें मायने रखती है आप किस प्रकार का माइक्रोस्कोप यूज करते हो। बहरहाल हम बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानना चाहेंगे कि माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक तरीके से ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं माइक्रोस्कोप, कि लेंसेस का सिस्टम कैसा यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर हम माइक्रोस्कोप को डिवाइड कर सकते हैं एज सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
So on the basis of this is on the basis of Christoff lenses, or we can say how much quantity of lenses we are using in our microscope. We can classify microscope as a simple microscope or a compound microscope. Simple microscope के अंदर हम single lens ही use करें. When we are using only a single lens, it means that microscope is simple microscope. आपने काम किया simple microscope देखा है? कहाँ है? कई सारे लेंसेज को हम यूज करें अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस ऑक्यूलर लेंस कंडेंसर है तो जब हम इतने सारे लेंसेज को यूज करेंगे तो इट मीन दैट इज कंपाउंड मल्टीपल लेंस फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव लेंस कॉमन है ऑक्यूलर लेंस है तो कई सारे लेंस हम जब व्हेन वी यूज मल्टीपल लेंसेज इट मीन्स दैट माइक्रोस्कोप कैन बी कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जितने ज्यादा आप लेंसेज यूज कर रहे हैं उतना ही इमेज का मैग्निफिकेशन पावर या इमेज मैग्निफाई कर सकते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तो एक कैपेसिटी है कि हाँ इसकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर कितनी है वो डिपेंड करेगी कि लेंस की मैग्निफिकेशन पावर कितनी है उस पर है पर जितना ज्यादा मल्टीपल लेंसेज यूज करेंगे उतनी मैनिफोल्ड्स इमेज की साइज बढ़ जाती है तो ज्यादा लार्जर इमेज हम किसमें देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड बोथ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर फ्रीक्वेंटली यूज इन लेबोरेटरीज आइदर इन बीएससी और एमएससी पर अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप को इस तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में क्योंकि जब माइक्रोस्कोप में आप चीज को देख रहे हो तो यू नीड एन इल्यूमिनेटिंग सोर्स आपको एक रोशनी का स्रोत भी चाहिए और आप कि इल्यूमिनेटिंग सोर्स कौन सा है जो अल्टीमेटली आपके स्पेसिमेंट से हो करके लेंसेज सिस्टम से हो करके आपकी आईज या रेटिना तक वो इमेज को फॉर्म करें तो दैट इल्यूमिनेटिंग सोर्स इज आल्सो इम्पॉर्टेंट सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोप कैन बी क्लासिफाइड एज in two categories one is light microscope and another is electron microscope source of illumination kya hai in light microscope the source of illumination is the electromagnetic radiation हो सकता है वो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम साधारण भाषा में सिंपल भाषा में जो लाइट कहते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की यूज हो सकते हैं वी कैन यूज डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिफरेंट माइक्रोस्कोप But all such type of microscope in which source of radiation, the source of illumination is electromagnetic radiation, it means they all are categorized under light microscopes. The examples of light microscopes are
राइट फील्ड माइक्रोस्कोप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूवी माइक्रोस्कोप फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप So these all are actually examples of light microscopes. Even in our laboratory, in our graduate and postgraduate laboratory, we use light microscopes. Okay. And compound microscope. And other one is electron microscope. In case of electron microscope, the source of इल्यूमिनेशन इज इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज SEM एंड Transmission electron microscope, that is TEM. Scanning electron microscope and transmission electron microscope. So this is an overview of microscope. Hai na? Actually, we are classifying different type of microscope. क्या आधार है क्या lenses कैसे हैं lenses के आधार पर single lens है या multiple lens है उसके आधार पर हम microscope classify कर सकते हैं भाई as a simple microscope or compound microscope. दे ऑल आर एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स और हमने इल्यूमिनेटिंग सोर्स क्या लिया लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन यूज करें तो हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे ऑब्वियसली जो डिफरेंट डिफरेंट जो कॉमन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा आप इसमें आता हूँ सिस्टम ऑफ लेंसेज के बारे में क्योंकि जब ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें हम लेंसेज यूज कर रहे हैं सो आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए लेंसेज क्या होते हैं वो किस तरह की इमेज फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोस्कोप में अल्टीमेटली इमेज कौन सी बनती है रियल इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनती है इन्वर्टेड बनती है अपराइट बनती है थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा जब वे ऑप्टिक्स में एक तो मिरर मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है और लेंस किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है मिरर दो टाइप का हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर इस तरीके से लेंस भी दो तरीके का हो सकता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है कहाँ वो इमेज फॉर्मेशन करेगा क्या वो मिरर डाइवर्जिंग होगा कन्वर्जिंग होगा लेंस डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा अपन सीधा लेंस पर आते हैं लेंस भी दो तरह के होते हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्या बता सकते हैं माइक्रोस्कोप्स के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है कन्वर्जिंग लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस को हम कहेंगे कॉनकेव लेंस
कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कॉन्केव लेंस का। और कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। अगर हम इमेज तो माइक्रोस्कोप में जो प्रेफर्ड लेंसेज हैं जो जनरली यूज करते हैं दे आर एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी सरफेस जो बाहरी सरफेस वो थोड़ी सी एमर्ज्ड होती है, उभरी हुई होती है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स देखें इमेज फॉर्मेशन का, जैसे मान लीजिए कॉन्केव लेंस, ये मान लिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फिजिक्स में। ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक इंपॉर्टेंट होती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंस से कितनी डिस्टेंस है। मान लिया कि दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट टॉप राइट है, जो रेज आती है और इसके जो लॉज है कि एक बार जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मान लिया ये रे पैरेलल आ रही है, तो ये फोकल बीच का जो सेंट्रल पॉइंट होगा लेंस का, वहां ये रिफ्रैक्ट होगी और यहां से पास आउट होगी। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेंटर पॉइंट से निकलेगी। और अगर वो कोई रेडिएशन डायरेक्ट सेंटर पॉइंट से निकलेगी इस तरीके से, सीधी निकलेगी, ऐसा नहीं होती। अब ये दोनों रेज जहां मीट करेगी वही इमेज फॉर्मेशन होगा, पर इस कंडीशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है क्या रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज आपको आगे मिलती हुई नजर आ रही है? नहीं। तो फिर क्या होगा, इनको पीछे प्रोड्यूस किया जाएगा इस तरीके से, इमेजिनरी इसको अपन यहां से पीछे से प्रोड्यूस करेंगे, और जहां कभी भी ये मिलेगी इंटरसेक्ट होगी, सपोज ये यहां जाकर इंटरसेक्ट हो रही है, और इसको हम कह रहे हैं ए डैश बी डैश, ये इमेज है। इमेज कैसे हो रही है कि इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट कर, जहां इंटरसेक्शन होगा वहीं नहीं करना। तो ये जो एक्चुअल साइज ऑफ है ऑब्जेक्ट की और ये इमेज की साइज, तो इमेज की साइज काफी बड़ी है और जो एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऐसी इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। हमें कभी भी एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है ना, ये आभासी एक तरीके से इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है यहां पर इस तरीके से। एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो बहुत दूर जाके होगा, इंफिनिटी कई सारी चीजें ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते हुए करते हो, बट ऐसी इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज ज्यादातर इरेक्ट होगी और एनलार्ज बड़ी दिखेगी, जबकि यही अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखेंगे तो शायद आपको रियल इमेज प्राप्त हो, और रियल इमेज प्राप्त होगी पर हो सकता है उसकी साइज उसके बराबर हो या वो उससे छोटी हो। अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है तो फिर माइक्रोस्कोप का क्या फायदा, हमें तो बड़ी साइज चाहिए। तो इसलिए माइक्रोस्कोप के अंदर हमेशा हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, और वर्चुअल इमेज तब प्राप्त होगी जब ऑब्जेक्ट को आप लेंस के क्लोजर रखो। ये लेंस है, ये स्टेज है, अब इस स्टेज पर और लेंस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो ऑब्वियसली जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, पर आप इस स्टेज की डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो आपको इमेज नजर नहीं आएगी, क्योंकि इमेज अगर बनेगी तो बहुत छोटी बनेगी। तो किस जगह
रखा जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस इज वेरी क्रूशियल इन डिसाइडिंग द इमेज। अगर आप देखें सपोज अपने यहाँ ऐसा लेके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा लेंस से बहुत दूर रखते हैं तो आप खुद देखेंगे कि इमेज बहुत ही छोटी बनेगी। दिस इज द लेंस, हमने यहां पर इसको ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, यहां से गया रिफ्लेक्ट हुआ और ये यहां सेंटर से जाएगी और ये एक्चुअल इंटरसेक्शन हो गया। जहां एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ वहां इमेज बन रही है ए डैश। अब ये जो इमेज है ए डैश बी डैश इट इज एक्चुअली इन्वर्टेड इमेज एंड इट इज रियल, क्योंकि रियल इमेज इज फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रेक्टिंग रेज। बट द साइज ऑफ द इमेज जो है वो साइज लगभग बराबर ही है, ये ए बी की साइज ए डैश बी डैश के बराबर ही है, छोटी भी हो सकती है, तो ऐसी इमेज का कोई फैक्ट नहीं। तो इसलिए माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज बनती है वह हमेशा वर्चुअल होगी और एनलार्ज्ड। ये चीज आगे बढ़ते हैं, now a term arises which is very common when we use microscope for investigation purposes, resolving power, ki aap resolving power se kya samajhte hain, what do you mean by resolving power of microscope? रिजॉल्विंग पावर, किसी की भी रिजॉल्विंग पावर चाहे वो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हो या अपनी आई की बात करें, आंखों की बात करें, आवर आई इज आल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने अंदर भी लेंस है, कौन सा लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन क्या है, रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी to distinguish between two nearby lying objects or points. जैसे मान लिया ये दो पॉइंट्स हैं बहुत ही क्लोज है, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस है, हम अभी इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों अलग अलग है। एक ये हो गया कि ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट है, आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कितना पास है कितना दूर है। रिजॉल्विंग पावर एक तरीके से युवक क्षमता है जिससे क्या है कि आप छोटे से छोटे पार्टिकल को, छोटे से छोटे कण को, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, या दो ऑब्जेक्ट बहुत कई सारे ऑब्जेक्ट हैं बहुत ही छोटे हैं पर आप रिजॉल्विंग पावर कम होगी तो आपको लगा कि एक ही ऑब्जेक्ट है ना, और आपकी रिजॉल्विंग पावर किसी अगर आपकी अधिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तो वो हर एक कण को अलग बताएगा, उसके बीच में डिस्टेंस शो करेगा, तो दैट कैपेसिटी इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। तो एक्चुअली ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर मतलब उसकी क्षमता को दर्शाता है
कि वो कितने छोटे से छोटे कण को भी उसको देख पा रहा है, या उसकी सहायता से हम उस छोटे से छोटे कण को भी देख पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे उस कैपेसिटी को हम कहेंगे रिजॉल्विंग पावर। जैसे हम बात करें रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, आई थिंक इट इज समथिंग अराउंड 0.1 mm। मतलब कोई वस्तु जो इस डिस्टेंस पर है, इतनी डिस्टेंस पर है न्यूनतम, उसको हम अलग देख सकते हैं। हाँ, ये दो अलग पॉइंट्स है, और इससे कम होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि वो एक ही बिंदु है, एक ही चीज है। इससे छोटी डिस्टेंस पर या इससे छोटे पार्टिकल्स को हम एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से लेंस, जो माइक्रोस्कोप में लेंसेज हैं उनका, या अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप है, उनकी भी रिजॉल्विंग पावर होती है। जैसे मान लिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हो सकता है कि जो डाटा है इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। सपोज इसकी 0.22 माइक्रोमीटर के आसपास है, इसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। तो माइक्रोमीटर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है एज कंपेयर टू मिलीमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर और ज्यादा होगी, उसकी तो जैसे 5 to 10 angstrom। ये तो और छोटी, मतलब इतने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक तरीके की रिजोल्यूशन लिमिट है, रिजॉल्विंग पावर से क्या आता है रिजोल्यूशन लिमिट, ये रिजोल्यूशन लिमिट है। RL, रिजोल्यूशन लिमिट। तो हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अपनी रिजोल्यूशन लिमिट होती है और वो उसकी रिजोल्विंग पावर को दर्शाता है। सो रिजोल्यूशन लिमिट एक्सप्रेस द रिजोल्विंग पावर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑफ माइक्रोस्कोप। और हम ये कह सकते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रिजोल्विंग लिमिट एंड रिजोल्विंग पावर, कि जितनी छोटी रिजोल्यूशन लिमिट है उतना अधिक रिजोल्विंग पावर होगा। यही हुआ ना, अब इसे मान लें कि इसकी रिजोल्यूशन लिमिट बहुत ही छोटी है, एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, तो है ना, और ये माइक्रोमीटर और बड़ी डिस्टेंस है, तो ये यूनिट ज्यादा बड़ी है। तो हम कहेंगे कि रिजोल्यूशन लिमिट किसकी कम, सबसे न्यूनतम किसकी है, ये सबसे कम है तो इसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगी, ये थोड़ी और अधिक है तो रिजोल्विंग पावर इसकी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि रिजोल्विंग पावर इसका जो रिलेशन है रिजोल्यूशन लिमिट से, वो इनवर्स रिजोल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजोल्यूशन लिमिट। हाँ, हम माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन लिमिट को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। किसी भी माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन लिमिट को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, RL। RL is equal to 0.61 into lambda upon n a। 0.61 स्टैंडर्ड फिगर है, लैम्डा यहां पर हो गई वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटिंग सोर्स। जो हम इल्यूमिनेटिंग सोर्स ले रहे हैं, जैसे मान लो लाइट ले रहे हैं, तो कौन से वेवलेंथ की लाइट थी, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या वेवलेंथ है, एंड एन ए इज इक्वल टू न्यूमेरिकल एपर्चर। So this is the formula of resolution limit of a microscope। अब हम resolution limit को कम या अधिक कर सकते हैं। We can change, we can increase the RL or we can decrease the RL। हम RL को कैसे बढ़ा सकते हैं,
जब वेवलेंथ को बढ़ा दे तो आर एल बढ़ जाएगा, अब आर एल बढ़ेगा तो रिजोल्यूशन पावर कम हो जाएगी, या अगर हमें रिजोल्यूशन लिमिट कम करनी है तो हमें वेवलेंथ कम करनी होगी, तो जितनी लो वेवलेंथ की लाइट लेंगे हम उतना जल्दी रिजोल्यूशन पावर होगा। इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, कम होती है, इसलिए उसका रिजोल्यूशन पावर मैक्सिमम होता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक तो वेवलेंथ को चेंज करते हैं या फिर हम न्यूमेरिकल अपर्चर को चेंज कर सकते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर को भी चेंज करें किस तरीके से, अगर हमने न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ा दिया तो आर एल कम हो जाएगा, आर एल कम होगा तो आर पी बढ़ जाएगा, अगर एन ए को हमने कम कर दिया तो आर एल बढ़ जाएगा, आर एल बढ़ जाएगा तो आर पी कम हो जाएगा, तो रेजोल्यूशन लिमिट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। किस तरीके से, इस केस में अगर हम लैम्डा को डिक्रीज कर दें और न्यूमेरिकल एपर्चर को बढ़ा दें, इंक्रीज करें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आर एल कम होगा, और आर एल कम होगा तो आर पी बढ़ जाएगा। इस चीज का जस्ट रिवर्स, अगर लैम्डा बढ़ा दें और न्यूमेरिकल एपर्चर कम कर दें तो रिजोल्यूशन लिमिट बढ़ जाएगी। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है, उसको देखते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर है जिसको कहते हैं एन ए, इज एक्चुअली नीटा साइन अल्फा, और ये तो इसका फॉर्मूला है, बट थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल एपर्चर का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल एपर्चर का मतलब हुआ कि जो लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पे एंटर कर रही है उसका हाफ एंगल जो है दैट इज एक्चुअली न्यूमेरिकल एपर्चर। आप एक बार इसको लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। सपोज साइन जो अल्फा है मीन, सपोज इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा, रियल लेंस, ठीक है, और ये स्टेज है, ये कंडेंसर है, कंडेंसर क्या करेगा, लाइट को कंडेंस करेगा, है ना, कंडेंसर जो होता है वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है, ठीक है, ये लाइट को कंडेंस करेगा स्टेज पर, स्टेज पर अपन ने स्पेसिमेंट रखा और स्पेसिमेन से लाइट जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस, तो स्पेसिमेन से जो लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पे जा रही है वो उसका जो कोन बनता है वो कोन एक्चुअली न्यूमेरिकल एपर्चर है। तो किस तरीके से, सपोज दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड सपोज दिस इज द स्पेसिमेन, ये स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर ये स्पेसिमेन, ठीक है, यहां कंडेंसर होगा, कंडेंसर लेंस ये फोकस कर गया लाइट को स्पेसिमेन पर, दिस इज द स्टेज, और यहां से ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रेडिएशन जा रही है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो कोन बन रहा है लाइट का, इसका हाफ जो एंगल है, दिस वन, दिस इज द हाफ एंगल, ये पूरा जो एंगल बन रहा है इसका आधा, दिस वन इज एक्चुअली साइन अल्फा, जो साइन अल्फा है वो क्या है कि जो लाइट एंटर कर रही है ऑब्जेक्टिव लेंस में उससे जो एंगल बन रहा है, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ द लाइट एंट्रिंग इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस इज साइन अल्फा। एनए में क्या हो गया,
नीटा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा तो ये एंगल हो गया उस कोण का आधा एंगल। हालांकि अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की हो सकती है 90, पर पॉसिबिलिटी 90 होना मतलब ये लाइट इधर की तरफ जाएगी, तो ये चीज पॉसिबल है। लाइट अगर ऐसे जाएगी तो ये कंडेंसर लेंस पे जाएगी, तो थ्योरेटिकल पॉसिबल जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की वो 90 हो सकती है, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। सो जो द एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, जो ये साइन अल्फा है जो डिटरमाइन की गई है, इट इज 74 डिग्री, इससे अधिक 74 डिग्री ये अधिकतम वैल्यू होगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। अब बात आती व्हाट इज नीटा, हियर नीटा इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर जो मीडियम है माध्यम है वो कौन सा है, मतलब कि जो स्टेज पर जो स्पेसिमेन, स्टेज पर जो स्पेसिमेन, सपोज दिस इज द स्पेसिमेन, मान लिया आपकी कोई एक सेल है या एक माइक्रोब है, ठीक है, उसको आपने किसमें रखा, वाटर में रखा है? या आपने उसको माउंटिंग वाटर में करी या ऑयल में करी या सिंपली एयर में, तो क्योंकि जो लाइट, जब लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी, है ना, रिफ्रैक्ट होगी होगी। अब वो स्पेसिमेन किस मीडियम में है वो भी इंपॉर्टेंट है, एयर है तो एयर, अगर सिंपल एयर है तो रिफ्रैक्शन का एंगल कुछ अलग होगा, अगर ऑयल है तो कुछ अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट हो सकती है, वाटर है तो कुछ अलग हो सकता है, तो उस चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब हर एक मीडियम का अलग अलग, जैसे मान लिया एयर है, एयर का लगभग 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑयल भी यूज करते हैं तो ऑयल का है 1.5, थोड़ा अधिक, मेरे को इन दोनों का भी याद है, एयर का 1 है ऑयल का 1.5 है, और अल्फा आपने देख लिया क्या एंगल, और ये एंगल भी, एंगल किस पर डिपेंड कर सकता है, इस पर नीटा, नीटा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माध्यम का मीडियम का इंडेक्स क्या है, उसका अकॉर्डिंगली ये वैल्यू भी सेट होती है, और अल्टीमेटली जब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे पे, ये वैल्यूज जब को हम न्यूमेरिकल एपर्चर में रखेंगे तो हम देखेंगे रिजोल्यूशन लिमिट क्या होती है, वापिस आते हैं हम आर एल पर। सो आर एल इज इक्वल टू 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन एन ए, और एन ए की वैल्यू को अब यहां पे रखें तो आर एल इज इक्वल टू 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन नीटा साइन अल्फा। अब सपोज आपसे आपसे पूछा जाता है, इफ समबडी आस्क यू कि हाउ कैन आई इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, ऑब्वियसली यू विल गिव आंसर that by lowering down or by decreasing the resolution limit we can increase the resolving power, but hum kaise decrease karenge resolution limit ko, decrease kaise kar sakte hain, rl value ko decrease karenge to hum kin kin cheezon mein changes kar sakte hain, illuminating source par change kar sakte hain, refractive index ko change kar sakte hain, kya use karna hai, aur usse related angle kis tarike se hoga ki lambda hai वो कम हो, लैम्डा को डिक्रीज कर दो, वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऐसी लाइट लें जिसकी वैल्यू कम से कम हो, तो हम आर एल बढ़ा सकते, आर एल को हमें कम करना है ना, हाँ तो उसको हमने कम कर दिया, ये और ये बढ़ा दें, एन ए बढ़ाना, एन ए बढ़ाना मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और हमें साइन अल्फा को भी बढ़ाना होगा,
So by increasing the angle, कौन सा एंगल? ये एंगल, इस एंगल को जितना ज्यादा बढ़ाएं और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम ऐसा रखें जिसकी मैक्सिमम वैल्यू माध्यम यूज करें और वेवलेंथ ऑफ लाइट हम स्मॉल लें तो हम आर एल को कम कर सकते हैं और अल्टीमेटली जोनिंग बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, चाहे कोई सही माइक्रोस्कोपी यूज करो कि हम इसकी रिजोल्विंग पावर कैसे बढ़ाएंगे। रिजोल्विंग पावर मतलब छोटी से छोटी चीज को देखने की शक्ति, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो भी है पार्टिकल, माइक्रोन में हो, एंगस्ट्रॉम में इसकी साइज हो, जैसे कोई बहुत ही स्मॉल साइज का है तो उसको हम माइक्रो सबसे या तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेंगे, बहुत ही स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट है। बड़े साइज के ऑर्गेनल्स हैं तो उनको साधारण हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या और कोई किसी माइक्रोस्कोप आसानी से बड़े ऑर्गेनल्स को तो हम फिर भी देख सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस हम दिख जाता है पर उसके न्यूक्लियस के अंदर हम प्रोटीन को देखना चाहें तो बहुत मुश्किल है। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे, हमें ऐसा माध्यम चाहिए जिसमें बहुत ही वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट हो, हम इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं तो हम हालांकि और भी कई सारी टेक्निक है जिससे हम उनके प्रोटीन से या उनकी स्टडी कर सकते हैं, बट फिर भी आपको एक चीज समझ में आई होगी कि कैसे हम माइक्रोस्कोप की पावर को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक बात तो ये होगी रिजोल्विंग पावर। एक चीज और टर्म और आता है रिलेटेड है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब ये हुआ कि कोई माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट की साइज को कितना गुना मल्टीप्लाई या बड़ा बड़ा कर सकता है। इट इज एक्चुअली द एनलार्जिंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। और ये एनलार्जिंग पावर किस पर निर्भर करती है? डिपेंड्स अपॉन लेंस, और जिसको हम लेंस पावर भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सामान्यतः जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस में हमने 4x लेंस यूज किया है, 10x यूज किया है या 40x, तो x ये डिनोट्स मतलब ये 4x 10x 40x क्या है, ये उसकी लेंस पावर है। 4x का मतलब ये हुआ कि उस लेंस से हम जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसकी चार गुना बड़ी इमेज प्राप्त कर सकते हैं। 10x लेंस यूज करने मतलब हम उस लेंस से उस ऑब्जेक्ट की 10 गुना बड़ी साइज को देख सकते हैं। 40x मतलब 40 गुना। तो जब हम लेंसेस को सीरीज में यूज कर सिस्टम में यूज कर लेंस सिस्टम यूज करेंगे, जैसे मान लिया हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया है और ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या हो गया, जैसे मान लिया सपोज किसी माइक्रोस्कोप के अंदर 3 लेंसेज हम यूज कर रहे हैं 4x 10x और 5x अलग अलग, ठीक है। ये अपन अपने रफली अपन मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से हमने 3 लेंसेज यूज किए एक माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा। जैसे मान लिया कि एक लेंस ये रहा हमने, ये हमने यूज किया 4x का, ठीक है। फिर बाद में एक लेंस आ रहा है जो हम यूज कर रहे हैं 10x का, फिर एक लेंस यूज कर रहे हैं हम 5x का। मान लो 5x वाला आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, कंडेंसर है, यहां हमने सपोज वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहां से इधर गया, यहां से इमेज फॉर्मेशन इस लेंस ने
रिफ्रैक्ट किया यहाँ से इधर ये इस तरीके से, और अल्टीमेटली इस जगह जा करके सपोज इमेज फॉर्मेशन, दिस इज इमेज फॉर्मेशन। अब ये इसके एक्चुअल साइज है, यहाँ चार गुना साइज होगी। अब चार गुना, अब ये जो साइज है यहाँ पे और मैग्नीफाई हो जाएगी, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है ऑफ माइक्रोस्कोप वो डिपेंड करता है कितने लेंसेज आपने यूज किए हैं एट ए टाइम टू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट। कि आपने तीन लेंस यूज किए 4x 10x 5x, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन हो जाएगा 4x into 10x into 5x, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 10 into 4 हो गया 40, और 40 into 5 हो गया 20, तो 200x। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना हो गया 200x, कि वास्तविकता में जो साइज थी ऑब्जेक्ट की उससे 200 गुना बड़ी इमेज हम उसकी परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओवरऑल मैग्निफिकेशन। जैसा आपने एक बार 5x 4x सेट किया या 10x 40x सेट किया आपने ऑब्जेक्टिव लेंस पर, आईपीस भी देख रहा है, आईपीस मान लिया 10x का है, तो 40 into 10 400x, कितना 400x, 400 गुना आपने उस इमेज को देखा। तो दिस इज यही चीज, जैसे ये 10x 10x है, और नीचे आप चेंज कर सकते हो, जैसे आपने 4x भी यूज करते हो, 10x भी यूज करते हो, 40x भी कर सकते हो, और 100x भी यूज कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा आप लेंस पावर यूज करोगे उतना ही मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, बट ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, आईपीस वाले और ऑब्जेक्टिव वाले मल्टीप्लाई होकर के फिर वो फाइनल इमेज। तो दिस इज अबाउट, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रोस्कोपी। हम अलग अलग माइक्रोस्कोपी स्टडी करेंगे, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोपी देखेंगे, हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी देखेंगे, हम देखेंगे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप किस तरह से ऑपरेट होता है, एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चाहे वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कल से देखेंगे।